YouTube पे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, और मैं आज एक दो नहीं 14 तरीकों पे बात करने वाला हूं। हमने बहुत सारी रिसर्च की और ऐसे पॉइंट्स भी निकाले जिससे नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं, और वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा। और वीडियो लंबा बना है डीप रिसर्च की वजह से। ये अभी सिर्फ पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू भी है, मिस नहीं करना। खास में कर आखिरी में एक गिफ्ट भी है आपके लिए, जो मैं आखिरी में ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखो, बहुत सारी वीडियोस आपने देखे इस टॉपिक पे पहले भी, और ये भी वैसा ही एक वीडियो ना बन जाए, इसलिए शुरू से आखिरी तक देखना, लेकिन नोट्स बनाते हुए, और नहीं समझ में आया तो रिपीट लूप करके देखना। ऑलराइट, सो पहला पॉइंट क्या है जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होता है, जो एकदम यू नो यूट्यूब भी कह सकते हैं इसी के दम पे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स को इनवाइट करता है, और वो है एडसेंस बना के। मतलब अगर यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हो, आपका चैनल है, उस पे लोग आते हैं, आपका वीडियोस देखते हैं, उस पे एड चलाता है यूट्यूब, जिसके पैसे मांगता है कंपनी से, और पैसे मिलते हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको। नाउ कितने पे कितना मिलता है वो समझ लो। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट समझ लो। अगर आपका चैनल 1000 फॉलोअर्स से कम है, नॉट एलिजिबल। चलो No, God, please, no! 1000 फॉलोवर कर भी लिए, दोस्त यार से बोल के भाई तू भी कर दे, भाई तू भी कर दे, नहीं काफी नहीं है। उसके बाद YouTube को चाहिए 4000 आवर्स का वॉच टाइम। मतलब एक वीडियो अगर एक मिनट के लिए किसी एक बंदे ने देखा तो वो एक मिनट होता है, ऐसे 60 मिनट मतलब एक घंटा, और ऐसे 4000 घंटे जब आपका वीडियो देखा जाता है, तब जाके आप एलिजिबल होते हो एक यू नो मोनेटाइजेशन के लिए। नाउ गेम समझना, बहुत बड़ी फिगर नहीं है ये, हिसाब लगाकर देखना। अगर जेन्युइनली रोज वीडियो डाल रहे हो, आपका वीडियो 5 मिनट का भी लंबा है, और रोज वीडियो डाल रहे हो, महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर सही स्ट्रेटजीज लगाई, तो डेफिनेटली 4000 वॉच टाइम कोई बड़ी बात नहीं है। महीने 2 महीने रोज वीडियो अगर डाल रहे हो तो ध्यान रखना, और जेन्युइन कंटेंट दे रहे हो। कई बार मैं देखता हूं वीडियो तो डाल रहे हैं लेकिन कोई काम की बात नहीं है। ऐसे मैंने जब रिसर्च करते हैं हम लोग, तो हम भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, YouTube पे पैसा कैसे कमाए, YouTube पे पैसे कैसे कमाए, और जब अंदर घुसते हैं तो कोई कंटेंट नहीं निकलता है। बैड स्ट्रेटजी। कंटेंट डालना प्रायोरिटी है। अगर आदमी को एक बार बेवकूफ बना सकते हो आप, अगर उसको मजा नहीं आया, वो कभी आपके चैनल पे दोबारा नहीं आएगा, तो ध्यान रखना आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। उसके बाद फिर आप व्यूअर और फॉलोइंग पे जाना। राइट, नाउ कितने पैसे मिलते हैं, तो एक क्लिक जब कोई बंदा करता है ऑन एन एवरेज, देखो यार कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो इंडिया का हूं तो मैं इंडिया की बात करूंगा, क्योंकि हिंदी ऑडियंस भी है मेरी, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपको हिसाब मिल जाए इसलिए मैं बता रहा हूं आपके हिसाब का मैट्रिक्स। एक क्लिक का मिलता है $0.01, $0.01 मतलब $1 का 1%, $1 मतलब 75 रुपीस, तो 1% कितना हो गया, 70 पैसे के आसपास आप कमाते हो एक क्लिक से, वो भी मोनेटाइजेशन के बाद। ध्यान रखना जब से आपने मोनेटाइजेशन चालू किया उसके बाद जितने व्यूज आएंगे वो कैलकुलेट होते हैं ओवरऑल नहीं। और एक और चीज, इंफोटेनमेंट, जैसे मेरा चैनल कैसा है कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, थोड़ा बहुत एनिमेशन भी चल रहा है, ऑलराइट, तो एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन है, तो इंफोटेनमेंट जो चैनल है इनके सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, इनका सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है। अगर आपकी ऑडियंस इंग्लिश है, यूएस में है, यूके में है, ऐसी कंट्रीज के आपको कन्वर्जन भी ज्यादा मिलते हैं, बट अगेन ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूं, तो इसलिए इंडियन रेट्स बता रहा हूं। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आगे 13 और पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है, प्लीज आप लोग आखिरी तक वीडियो देख देते हो और कई बार लाइक करना भूल जाते हो। देखो मेरी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है और आप ही लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और YouTube इस तरीके से डिजाइन है कि नए लोगों तक तभी पहुंचाएगा जब आप लाइक करोगे, तो प्लीज यार थोड़ी सी मेरी भी मदद कर दो, बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में, तो प्लीज थोड़ा सा लाइक शेयर अगर करते हो ऐसे यूट्यूबर्स से जो शायद पैसे नहीं कमा रहे हैं। बहुत सारे मैं देखता हूं चैनल पे सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनको पता नहीं है तरीके, 13 और तरीके बताने वाला हूं। ऑलराइट, डिपेंड करता है ना दो चीजों पे, पहला तो वो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन चेक करेंगे कि क्या आपने वाकई फॉलो की है सारी गाइडलाइन, और दूसरा वो चेक करती है कि क्या कॉपी स्ट्राइक क्लेम तो नहीं है। मान लो किसी का आपने कॉन्टेंट कॉपी करके अपने चैनल पर
पोस्ट किया ना तो वो कॉपी स्ट्राइक कर सकता है, और ऐसे तीन मौके यूट्यूब आपको देता है, उसके बाद चैनल खत्म, राइट। सो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आपको यू नो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए स्पॉन्सर करते हैं, पैसा देते हैं। नाउ टेक कैटेगरी जो है इस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट है, मतलब जो होता है ना प्रोडक्ट रिव्यूज और इस टाइप की कहानी, तो टेक कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट इसलिए इतने जैसे बहुत सारे फेमस चैनल हैं, टेक्निकल गुरु जी का नाम सुना होगा आपने, वन ऑफ द फेमस गाय है, तो वो भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टेक रिव्यूज करते हैं, जिसका उनको कई बार, मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं ऐसा कुछ समझना, मैं बस कह रहा हूं ऐसे लोगों को कई बार स्पॉन्सरशिप मिलती है, ऑलराइट। और अगर आपके भी फॉलोअर ज्यादा हैं तो आपको भी चांसेस हैं मिलने की स्पॉन्सरशिप। मुद्दे की बात है कि कितना और कितने फॉलोअर पे, राइट। तो फॉलोअर अगर आपके 50,000 या उससे ज्यादा है तो $100 से $200 तक आपको कोई भी कंपनी पे करती है। अगेन निगोशिएबल है यार, देखो बात करना आना है, अगर आपको डील क्रैक करना नहीं आता तो शायद वो सस्ते में आपको तोड़ ले, और अगर 2 लाख या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप $400 तक चार्ज कर सकते हो, और 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप $1,000 से भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। देखो वैसे तो ज्यादातर जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना वो सभी एफिलिएट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, एफिलिएट Amazon, affiliate Flipkart, affiliate Snapdeal, affiliate मैं कह रहा हूँ even shaadi.com जैसी sites भी affiliate account provide करती हैं। Search करना पड़ेगा आपको, account बनाना पड़ेगा, उसका link generate होगा, और ये link आप अगर कोई बात कर रहे हो, जैसे मान लो कोई product आपने दिखाया कि guys ये मेरा product है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि बोल सकते हो कि ये आपको अगर खरीदना है तो आप affiliate link मत बोलना, आप सिंपल बोल सकते हो कि लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए और अभी खरीद लीजिए इस प्रोडक्ट को। अब किसी को खरीदना होगा तो डेफिनेटली जाके खरीद लेगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी बुक है, ऑलराइट। नाउ वैसे तो ये बुक मेरे सिर्फ इवेंट्स में अवेलेबल है, लेकिन ये बुक अगर मुझे ऑनलाइन सेल करनी है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जाकर आप खरीद सकते हो। तो बुक से तो पैसा आएगा, लेकिन साथ में और कौन सा पैसा आएगा, एफिलिएट अकाउंट का भी पैसा आएगा। नाउ बात इसकी आती है कि जो Amazon है वो तभी आपको पे करेगा जब एक्चुअल पैसा पे हुआ है उसको, मतलब एक्चुअली खरीदा है किसी ने, मान लो कोई आपके लिंक से गया तो लेकिन खरीदा नहीं, आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि कुकीज वगैरह होती है तो वो 24 घंटे में भी खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता ही मिलता है ना। ये मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं शायद आप लोग को पता होंगे, लेकिन इसके आगे जो पॉइंट्स आने वाले धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज्यादा यूनिक पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग में। एक चीज और मैं बता दूं, जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज है जो Kindle, क्योंकि Amazon का खुद का प्रोडक्ट है, मार्जिन ज्यादा है, तो 10% तक देता है वो एफिलिएट मार्केटिंग के। और अगर टॉय या बेबी प्रोडक्ट्स पे जाते हो तो 9%, अगर बुक्स पे जाते हो तो 8%, क्योंकि बुक्स होती हैं थोड़ी सस्ती, बहुत ज्यादा बड़े हाई प्राइस नहीं होती ना, और मोबाइल फोन्स पे जाते हो तो 2.5%, एक्सेसरीज 4%। ये पूरे रेट्स आपको Amazon पे साइट पे जाओगे तो मिल जाएंगे, किसका कितना परसेंटेज आता है, थोड़ा एक्सप्लोर करिए। आप दूसरों को बोल सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, या मेरे गॉगल्स अच्छे लग रहे हैं, या ये मेरी ज्वेलरी अच्छी लग रही है, आपकी जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आप बता सकते हो अपनी ऑडियंस को और पैसे कमा सकते हो। फोर्थ पॉइंट है बाय सेलिंग मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब खुद की टी शर्ट, मग, पोस्टर्स। यार अपने आप को अगर आपने फेमस कर लिया ना, अगर आप सेलिब्रिटी हो, अगर आपकी फॉलोइंग है, अगर आपको लोग सुनते हैं, आपकी आप में चार्म है, आपके डायलॉग्स हैं यार जो लोग रिपीट करते हैं, आप उसको टी शर्ट पे छपवा दो, आप उसको मग पे छपवा दो, आप उसके पोस्टर्स बनवा दो, एंड अपनी ऑडियंस से बोलो गाइस चाहो तो खरीद सकते हो। मैं बता रहा हूं जो हमने स्टैट्स निकाले उसके अकॉर्डिंग अगर 5,000 व्यूज पर मंथ तक आ रहे हैं तो आप $800 से ज्यादा कमा सकते हो पर महीना। कैलकुलेट कर लेना इंडियन रुपीज में कितना होता है, बट अगर 1 मिलियन व्यूज पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हो तो लगभग $21,000 से ज्यादा आप कमा सकते हो पर मंथ। डिपेंड करता है आपकी एंगेजमेंट कैसी है, आपकी ऑडियंस कितना आपको मानती है, जानती है और आपको पैसा देने के लिए ओपन है, तो आप मर्चेंडाइजिंग से भी कमा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, जेक पॉल करके एक बंदा है, सर्च करना यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा उसने $4 मिलियन कमाए, $4 मिलियन, ऑलराइट, $40 लाख समझ लेना कितना होता है, 1 मिलियन मतलब 6 करोड़ होता है, $4 मिलियन कमाया उसने सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज सेल करके। तो समझ सकते हो कि कितना पोटेंशियल है, आप भी ट्राई करके। Don't make me tell them the truth, and I just dropped some new merch, and it's selling like a god.
देखो पांचवे पॉइंट पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले समझो गाइस, मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं, तो ये मेरा फुल टाइम काम नहीं है, ऑलरेडी रनिंग कंपनीज है मेरी। और जब लोगों को ने पूछना शुरू किया कि यार आपने कैसे सक्सेसफुल बनाई अपनी कंपनी, तब मैंने बिजनेस कोचिंग स्टार्ट की। तो मैं बिजनेस कोच भी हूं, और ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि बहुत यू नो प्रीमियम प्राइसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हम लोग बात करते हैं, काम करते हैं उनके साथ, लेकिन मैं चाहता था कि आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। यूट्यूब फ्री का एक अच्छा जरिया है, जहां तक मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा सकता हूं, आपके सवालों के आंसर दे सकता हूं, और किसी को वन टू वन बात करनी हो तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट बहुत ही सिंपल है यार, अगर आप एक यूट्यूबर हो जिसके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, नए यूट्यूबर्स चाहेंगे कि यार उनके भी फॉलोअर्स बढ़े, और अगर आपका चैनल सिमिलर है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको वो पे करने के लिए भी तैयार होंगे कि हम मेरे चैनल का एक बार नाम ले देना, राइट। सो ऐसे में आप उनसे चार्ज कर सकते हो कि गाइस मैं तुम्हारा चैनल प्रमोट करूंगा, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तो प्लीज क्या करना है, पैसे देने, तभी मैं तुम्हारा नाम लूंगा। अगेन थोड़े से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाए आपकी, आप ज्यादा चार्ज भी कर सकते हो, और ऐसे में यूट्यूबर्स दूसरे जो नए हैं वो आपको पैसा भी देते हैं। शाउट आउट के बाद छठवां पॉइंट जो है वो है लाइव जाकर पैसे कमाना, राइट। देखो अभी तक जितने पॉइंट बोले वो शायद आपने सुने थे या पता थे या पता नहीं, शायद मे बी आपने अप्लाई भी किए थे और कुछ पैसे भी कमाए थे, बट आगे के जितने पॉइंट आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा यूनिक आने वाले हैं। शायद हो सकता है इनमें से भी कुछ सुने हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। अगर कुछ सीखो ना तो कमेंट में मुझे बता जरूर देना कि आपको क्या चीज नई लगी, क्या चीज अच्छी लगी, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो छठवां पॉइंट जो है वो है लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। मतलब क्या, जैसे आप लाइव जाओगे जब यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आपको एक स्पेशल ऑप्शन देता है किस चीज का, सुपर चैट का। सुपर चैट मतलब आप लाइव हो, आप ऑडियंस से पूछ रहे हो, कुछ सवाल पूछ रहे हो, कुछ जवाब दे रहे हो, लोगों से कमेंट करने को कह रहे हो। नाउ अगर ऑडियंस चाहे और आपके पसंद करती है आपकी बात को, आपके कंटेंट को, तो ऑडियंस चाहे तो आपको डोनेट कर सकती है पैसा। वो पैसा कैसे आता है, वो सुपर चैट के फॉर्म में आता है। और जब भी सुपर चैट मतलब उसका लाइक कमेंट उतनी देर तक दिखता रहेगा ऑडियंस को, ऑलराइट। जैसे किसी का कमेंट आया तो वो चला जाता है, लेकिन जिसने पैसे देकर कमेंट किया उसका कमेंट बहुत देर तक रहता है। तो जितने पैसे दिए उतनी देर तक का टाइमर चलता रहता है कि उतनी देर कमेंट सबको दिखेगा, पूरे जितने भी फॉलोअर्स होंगे। और इसलिए आप उनको अगर मेंशन करते हो कि गाइस इन्होंने सुपर चैट किया अभी, थैंक यू सो मच, अगेन लोगों को और अप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग भी मिलती है। अच्छा, कुछ अच्छे कॉज के लिए भी आप ऐसा यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो यूट्यूब बहुत ज्यादा नहीं 30% लेकिन रखता है। तो $100 अगर आपने कमाए है सुपर चैट से, तो $70 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल मुझे बड़ा प्यारा लगा, कैरी मिनाटी ने, एक जानते ही होंगे कैरी मिनाटी, नाम बड़ा फेमस है ऑलरेडी, बंदा बहुत अच्छा काम करता है। यंग है और उसके बाद भी उसके इतने फॉलोवर्स हैं, कंटेंट काफी क्रिएटिव है, थोड़ा बहुत 18 प्लस जाता है, लेकिन स्टिल मैं रिस्पेक्ट करता हूं उसकी। तो कैरी मिनाटी ने एक बार ये जो केरला के फ्लड आए थे ना, तो उस समय सुपर चैट की करके, जो लाइव स्ट्रीम करके 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे सिर्फ एक चैट पे, और डोनेट कर दिया केरला फ्लड्स के लिए। तो ऐसे नेक काम भी आप कर सकते हो यूट्यूब से, ऑलराइट। ये था अभी तक पार्ट वन, 6 तरीके मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगले वीडियो में इसका दुगना खजाना लाने वाला हूं आपके लिए, 1, 2 नहीं 8 और तरीके मैं बताने वाला हूं जिससे आप YouTube पे पैसे कमा सकते हैं। देखना मत भूलना अगला वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, अभी तक बात समझ में आई है, सही लोगों तक, यूट्यूबर्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर करके पहुंचाओ, लिंक कॉपी पेस्ट करके पहुंचाओ, डाउनलोड करके पहुंचाओ, आई डोंट केयर, लेकिन पहुंचाओ प्लीज, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मैं या तो वीडियो बना सकता हूं या तो उसको लिंक कॉपी पेस्ट कर सकता हूं लोगों के पास जाकर, एक ही काम ढंग से कर पाऊंगा। तो प्लीज यार थोड़ा सहयोग करो, थोड़ा हाथ बटा दो, कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।